अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बच्चों को खिला रहे हैं फ्रूट। जैसे हमने बच्चों को खिला दी थी वेजिटेबल्स, और इसी तरह हम बच्चों को खिलाएंगे फ्रूट्स, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूटी सैंडविच। तो फ्रूटी सैंडविच के लिए मैंने क्या ले लिया है, सबसे पहले मैंने ले लिया है एप्पल, एक सेब जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक चीकू, इसे भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। इसके बाद पाइनएप्पल, अनानास, इसको भी मैंने पतला पतला कट कर लिया है। और ले लिया है पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस ले लिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 टेबलस्पून के करीब होगा। और इसके साथ साथ मैंने ले ली है क्रीम, क्रीम भी 2 टेबलस्पून है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने सैंडविच बनाने हैं। और इसके साथ साथ ले ली है शुगर, ये आम चीनी है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ऑप्शन है कि आप मेयोनीज की जगह बच्चों को अंडा भी डाल कर दे सकते हैं, ये सिंपल अंडा जिसमें चीनी थोड़ी सी मिलाकर मैंने एक मीठा अंडा बना लिया है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसके साथ साथ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज, और साथ साथ ले लेंगे चॉकलेट, आप न्यूट्रेला भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए इसके साथ साथ ब्रेड, ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइस ले लिए हैं और मैं इन्हें इतना कट कर दूंगी यहाँ से। जी मैंने कट कर लिए हैं, दूसरे को भी ऐसे ही कट कर लेंगे दोनों स्लाइस को। जी तो ये सब मैंने कट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इन पर डाल देंगे पाइनएप्पल जूस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, सैंडविच बहुत फ्रेश बनेंगे और ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहेंगे। इसके सब किनारों पे डाल देंगे। अब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही मैं जूस डाल दूंगी। अब मैं इसे कर लूंगी कट। हम सब सैंडविच में सैंडविच बनने के बाद कट करते हैं, लेकिन इसे मैं पहले कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके सैंडविच बनाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कितने आराम से कट हो रहा है। ये सब कट हो गया, अब बना लेते हैं इसका बैटर। मेयोनीज ले लिया, मेयोनीज में मैं डाल रही हूँ क्रीम, मेयोनीज में हम क्रीम ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी इसमें शुगर, शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे मिक्स कर लिया। और इसी स्पून की मदद से मैं इस पे लगा दूंगी। ऐसे ही हम सब अपनी ब्रेड पर ऐसे लगा लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो सब पे हमने लगा दिया और ये 2 स्लाइस मैंने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इस पे मैं लगा दूंगी चॉकलेट, इस पे हम चॉकलेट लगा लेंगे क्योंकि चॉकलेट बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। इन दोनों स्लाइस पे अच्छे से चॉकलेट लगा लेती हूँ। तो चॉकलेट भी लग गई और अब हम इस पे रख लेते हैं फ्रूट। जैसे हमने बच्चों को खिलाना है वैसे आप रखिए। पाइनएप्पल, और फिर हम रख देंगे इस पर दूसरा स्लाइस, दूसरा स्लाइस रखेंगे। और फिर हम इस पर रख देंगे चीकू, चीकू रख देंगे। ऐसे ही आप सारे स्लाइस रख लीजिए। चीकू के बाद फिर हम एक स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। और फिर हम रख देंगे एप्पल,
हम एप्पल रख लेंगे। हमने इस पर रख दी एप्पल और एप्पल के बाद हम फिर इस पर रख देंगे ये स्लाइस, इनकी साइड करेंगे नीचे और हमारा ये एक सैंडविच रेडी हो गया। और अब हम बनाएंगे चॉकलेट के साथ, और इसमें भी हम रख देंगे पाइनएप्पल। फिर हम रखेंगे चॉकलेट और फिर हम रख देंगे चीकू। चीकू के बाद हम फिर क्रीम वाला स्लाइस रखेंगे। अब रख देंगे एप्पल, एप्पल एप्पल के बाद हम रख देंगे चॉकलेट। अब इसे करने की इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए। जी फ्रेंड्स, तो हमारे फ्रूटी सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। साइमा को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।